दोस्तों झारखंड एसएससी के एग्जाम डेट को लेकर के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे थे। टेस्ट सीरीज और ई बुक्स का जो ऐप पर चल रहा था डिस्कशन, उस बीच में काफी लोगों ने मुझसे क्वेरी इनबॉक्स में ये भी पूछा एग्जाम डेट को लेकर के। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे दी जाए कि क्या आपको अपनी तैयारी रोक देनी चाहिए, क्या आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, कौन से पेस पे रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूं अमन और आप आ चुके हो कंपटीशन दुनिया के प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में सिंपली हम जानेंगे यार कि जो एग्जाम डेट को लेकर के बातें चल रही हैं उसका क्या ओवरव्यू है और बेसिकली आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग ई बुक्स टेस्ट सीरीज फ्री 250 से भी ज़्यादा कंप्यूटर के एमसीक्यूज पीडीएफ डेली फ्री टेस्ट पेपर टू का ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पर बिल्कुल फ्री मौजूद है। जी हाँ, कंपटीशन दुनिया ऐप पर ये सारी चीज़ें फ्री हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो कमेंट से भी, डिस्क्रिप्शन से भी, या फिर आप गूगल प्ले पर सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर कंपटीशन दुनिया और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं बात जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम डेट को लेकर के। तो एग्जाम डेट 100% ये तो कंफर्म है कि एग्जाम डेट एक्सटेंड होने वाला है और आपका एग्जाम जो अक्टूबर में होने वाला था 14-15 को, वो आपका बढ़ करके हो जाएगा नवंबर के महीने में। अब ये डिपेंड करता है नवंबर के फर्स्ट वीक में हो या फिर सेकेंड वीक में हो, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। बट आपको ये चीज़ समझ कर चलना है कि आपको एक्स्ट्रा 15 डेज तो मिनिमम ज़रूर मिला है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज़ करो। और इसीलिए हमने अपने जो टेस्ट सीरीज़ है सीजीएल पेपर टू की, उसमें ये प्रावधान किया कि जब तक एग्जाम डेट नहीं होगा हम डेली एटलीस्ट फ्री टेस्ट तो करवाएंगे और पेड टेस्ट में जो पार्ट टेस्ट है वो डेली हम देंगे। तो एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। हमारी जिम्मेदारी, हम आपको बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज़ दिलवाएं आपको, और कोई भी एक एक्स्ट्रा रुपीज़ चार्ज नहीं किया जाएगा। जो आप टेस्ट सीरीज अभी ले रहे हो वही चलता रहेगा। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आज बतला रहे हैं कि आपका एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा। सबसे पहला रिजेक्शन लिस्ट, वो अभी तक नहीं आया है, वो आने वाला है। सेकेंडली क्या है कि जितनी भी आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी न्यूज़पेपर्स में, मीडियाज़ में, चैनल्स पे, बहुत सारी जगह, कि जो आयोग को परमिशन लेनी होती है, जो आयोग भेजता है लेटर, ठीक है, सारे अथॉरिटीज़ को जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ होती है उन सबको भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं गई है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम सेंटर्स के रिगार्डिंग, वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो मेन ये तीन चीज़ें हैं जो कि ये साफ साफ बता रही है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि चेयरमैन भी चेंज हुए हैं, तो पूरी व्यवस्था चेंज होगी, नए चेयरमैन आएंगे, मीटिंग होगी, सारी चीज़ों पर बात होगी कैसे कब क्या करवाना है। तो थोड़ी चीज़ें टाइम लगती हैं एडजस्टमेंट में, तो ये पक्की बात है कि 15 दिन से आप ऊपर आपका एक्सटेंड होगा। इस बात पर आप कोई भी डिस्कशन का मतलब नहीं बनता है कि सीजीएल का डेट कब होगा। आप ये मान के चलो कि जो आपकी एग्जाम डेट थी उसे 15 दिन एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है। यू हैव गॉट द ग्रेस पीरियड ऑफ 15 डेज। तो अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखो, आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट्स एंड टेस्ट सीरीज आप लो, मेरी प्लेटफॉर्म से लो, कहीं से लो, वो आपके ऊपर है। बट हाँ, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको, और ई बुक टेस्ट सीरीज हमारी प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी दे रही है। अगर आपको वो टेस्ट सीरीज देनी है डेली के फ्री, कंप्यूटर के फ्री सैम्पल्स और 250+ क्वेश्चन बैंक, जितनी चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पे, तो आप डाउनलोड कर लो। एग्जाम डेट को लेकर के मुझे नहीं लगता कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि एग्जाम डेट आपका बढ़ेगा, आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। एग्जाम कभी भी हो आपको मानकर चलना है कि मैं 15 अक्टूबर को एग्जाम देने वाला हूँ। अपने आप को 15 अक्टूबर तक आप तैयार कर लें, उसके बाद जितना एक्सटेंशन होता है प्रैक्टिस करें। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। एग्जाम डेट को लेकर के कोई और डिस्कशन की संभावना नहीं बचती है। मिलते हैं नई वीडियो में। डाउनलोड कर लो कंपटीशन दुनिया ऐप, क्योंकि वहाँ पर हम अब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। सी यू अगेन इन द न्यू वीडियो। थैंक यू गाइज।